दोस्तों, ऐसी भारत में कई जगह हैं जो कि रहस्यमय कारणों के चलते चर्चा में बनी रहती हैं। उन्हीं में से एक है राजस्थान में बसा छोटा सा कुलधारा गांव। कहा जाता है ये गांव पिछले बहुत सालों से शापित हो रखा है। पर दोस्तों, सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक रात में 84 गांव के लगभग 600 घरों के लोग अचानक ही गायब हो गए और कहां गए इसका कोई नहीं पता। क्यों आखिर ये गांव पूरी तरह बंजर और वीरान हो चुका है? आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से आज भी इस गांव में कोई नहीं रहता? और आज इसी कड़ी में हम कुलधरा गांव के रहस्य को थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आप कभी वहां जाएंगे तो जर्जर हालातों में पड़े खंडहर आज भी उस घटना की गवाही देते हुए नजर आएंगे जिसने अचानक से सुंदर से गांव को एक वीराने में तब्दील कर दिया। ये कुलधरा गांव आज जिस हालात में है वैसा पहले कभी नहीं था। दोस्तों, आज से लगभग 200 साल पहले ये कुलधरा गांव खाली और वीरान पड़ा हुआ था। एक समय में ये बहुत ही सुंदर और सारी सुख सुविधाओं से लैस हुआ करता था। आपको बता दें कि भारत में जो सबसे डरावनी जगह है उन जगहों में कुलधरा गांव भी शामिल है। रहने वाले आसपास के लोगों का कहना है कि यहाँ पर भूत रहता है, क्योंकि रात में कभी वहां औरतों की चूड़ियों की खनकने की आवाज आती है तो कभी किसी बच्चे के रोने की। दोस्तों, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि वहां घूमने गए कुछ टूरिस्ट ने बताया कि जब वो अपनी कार से घूमने गए और वापस लौटे तो उनके कार के शीशे पर बच्चों के पंजों के निशान मिले। खैर, क्या सच है और क्या झूठ इसका तो पता नहीं, पर राजस्थान की सरकार की हरकत ने इन सबको सच में बदल दिया है। राजस्थान सरकार ने उस गांव के चारों तरफ 2 किलोमीटर की दूरी पर एक बाउंड्री बनाने के साथ बड़ा गेट भी बनवा दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, वहां दिन में तो कोई भी घूमने जा सकता है पर शाम ढलने के बाद कोई नहीं जा सकता। आम आदमी तो छोड़िए, 4 बजे के बाद वहां कोई गार्ड भी नहीं रुकता। इतिहासकारों की बात करें तो वो भूत प्रेत का तो नहीं, पर इस बात को जरूर मानते हैं कि एक रात में ये पूरा गांव खाली हो गया था। आपको पता ही होगा कि राजस्थान का सबसे मशहूर गोल्डन शहर, इसी गोल्डन शहर का नाम जैसलमेर है। इसका नाम खूबसूरत शहरों की श्रेणी में आता है। यहाँ पर आपको दुकान, मकान, होटल, किले सब पीले रंग में रंगे नजर आएंगे। सूरज की जब पहली किरण इस शहर में पड़ती है तो मानो सोना चमकने लगता है। दोस्तों, जैसलमेर से ज्यादा नहीं, सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी पर कुलधरा बसा हुआ है। कुलधरा गांव तो वीरान ही है, पर जब आप जैसलमेर से कुलधरा के लिए जाएंगे तो वहां की सड़कें भी आपको एकदम सुनसान मिलेंगी। ना लोग, ना उतनी गाड़ियां। कहीं दूर जाकर आपको एक आधा गाड़ी नजर आ जाए तो नजर आ जाए, वरना वो भी नहीं। इतना ही नहीं, जब आप पहुंचकर गेट के अंदर से घुसेंगे तो आपको भी थोड़ा सा अजीब महसूस होगा। गर्मी के दोपहर में हमारी क्या हालत होती है ये हम सब जानते हैं, पर कुलधरा में आपको उतनी गर्मी महसूस नहीं होगी। दोस्तों, इतिहासकारों के हिसाब से 1291 में जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूर पालीवाल ब्राह्मण ने इस गांव को बसाया था। यहां पर 84 गांव के लगभग 600 घर एक साथ मिलजुल कर रहते थे। आपको बता दें कि इस जाति के लोग बहुत ही पढ़े लिखे और अमीर थे। दिमाग तेज होने के कारण इस जाति के लोग अच्छे वैज्ञानिक थे। इन्हें तेज इसलिए माना जाता था क्योंकि ये उस वक्त में भी अच्छी तकनीक का यूज करके घर बनाते थे, जिसमें से कुछ घर वहां आज भी मौजूद हैं। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इतना पुराना होने के बाद भी जब आप उसे देखेंगे तो वो आपको नए जैसे दिखाई देंगे। ये लोग एकता में विश्वास रखते थे। दोस्तों, चिलचिलाती गर्मी में भी उन घरों में ठंडी हवाएं आती हैं। इन लोगों ने एक खास तकनीक के बारे में खोज की थी जहाँ बारिश का पानी वेस्ट नहीं बल्कि गहराई में जाकर जमा हो जाता था, और यही वजह थी कि ये लोग थार जैसे रेगिस्तान में भी फसल उगाने में कामयाब रहे। इन लोगों ने वहां पर कुछ तालाब भी बनाए थे। पर सवाल अभी भी एक ही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना विकसित गांव सुनसान पड़ गया? तो दोस्तों, ये सब हुआ सालम सिंह की वजह से। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी बला है। सालम सिंह जैसलमेर का दीवान था और कुलधरा उसी के हिस्से में आता था। ये सालम सिंह बहुत ही क्रूर आदमी था, लेकिन इसके क्रूर होने के पीछे भी दोस्तों एक कहानी छिपी हुई है। जब सालम सिंह 11 साल का था तो उसके पिता को गला काटकर मार दिया गया था, वो भी राजद्रोह के आरोप में, और उसके पिता भी जैसलमेर के सोने के किले में दीवान थे। इसी घटना के बाद सालम सिंह निर्दयी और बहुत ज्यादा क्रूर बन गया। ऐसा कहा जाता है कि तब से ही सालम सिंह के मन में सोनार किले को हथियाने की बात आ गई थी, और इसी वजह से उसने अपना किला भी सोनार किले से बहुत दूरी पर बनवाया था,
और उसके किले की ऊंचाई सोनार किले से भी ऊंची थी। अब जाहिर सी बात है दोस्तों को राजा ये बात कैसे बर्दाश्त कर ले कि उसके दीवान का महल उसके महल से ऊंचा हो। इसलिए सोनार किले के राजा ने सालम सिंह के महल के ऊपर के दो मंजिल तोड़ दिए। आपको बता दें कि सालम सिंह औरतों में भी बहुत ज्यादा बदनाम था और यही वजह थी कि औरतें उसके किले की तरफ जाना तक नहीं चाहती थीं। एक बार की बात है दोस्तों, ये सालम सिंह कुलधरा गांव के दौर पर निकला था और उसी वक्त उसकी नजर वहां के पंडित की बेटी पर पड़ गई। फिर क्या था, उसको देखकर उसकी नीयत खराब हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस लड़की को पाने के चक्कर में सालम सिंह ने अलग अलग तरह के लगान लगाए ताकि ये पालीवाल झुक जाए, पर ये पालीवाल काफी अमीर थे इसलिए सालम की मंशा पर पानी फिर गया। इसके बाद सालम सिंह इतना नीचे गिर गया कि उसने बहुत बार पंडित की बेटी को उठवाने की कोशिश भी की, पर वो उसमें भी नाकामयाब रहा। बार बार अपने मंसूबे में कामयाबी ना मिलने के बाद सालम सिंह के सर पर उस लड़की को पाने का जुनून सवार हो गया, और जुनून कुछ इस कदर सवार हुआ कि सालम सिंह ने कुलधरा गांव में ये संदेशा भिजवा दिया कि अगर अगले पूर्णमासी की रात लड़की को सालम सिंह के हवेली पर नहीं भेजा गया तो पूर्णमासी के अगले दिन वो सैनिकों के साथ उस गांव पर हमला कर देगा। जाहिर सी बात है कि गांव में एकता थी जिसकी वजह से पूरा गांव परेशान था कि आखिर किया क्या जाए। गांव का हर आदमी अपने अपने तरीके से सुझाव दे रहा था, पर किसी का सुझाव सही नहीं था। वो ज्यादा देर इंतजार भी नहीं कर सकते थे क्योंकि पूर्णमासी आने में बस कुछ ही दिन बाकी थे। जब लोगों से हल नहीं निकला तो पंचायत बैठी और उसी दिन एक मंदिर में गांव के सभी लोग एकत्रित हुए, जिसके बाद बातचीत शुरू हुई। कुछ लोगों ने बोला कि हम उन लोगों से लड़ेंगे, पर उनकी संख्या कम थी जिसकी वजह से ये प्लान काम नहीं किया। तो कुछ लोगों ने राय दी कि पंडित उस गाँव को छोड़कर चला जाए, पर बाकी के लोग इस बात पर जानते थे कि अगर ऐसा किया तो सालम सिंह गांव के लोगों पर अपना गुस्सा निकालेगा। इसलिए सबके मन से एक फैसला लिया गया कि वो चुपचाप गांव को खाली कर देंगे। शायद इसे ही कहा जाता है एकता में बल, जो आज के जमाने में कहां देखने को मिलता है। यहां तो एक पड़ोसी ही दूसरे पड़ोसी की मदद नहीं करता, और यहां 600 घरों के लोग सिर्फ एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए एक साथ आ गए। कुलधरा के गाँव के लोगों का कहना था कि वो अपनी इज्जत का सौदा कभी नहीं करेंगे। इन लोगों को ये बात पता थी कि अगर ये एक आध दिन के बाद जाएंगे तो कहीं ना कहीं से बात बाहर आ जाएगी, इसलिए इन लोगों ने फैसला किया कि ये लोग उसी रात जाएंगे। इन सब के बाद सबको ये भी बोला गया कि अपने साथ सिर्फ कीमती और जरूरी सामान ही लेकर चलें। उसके बाद क्या दोस्तों, सबने अपने सामान उठाए और चल दिए और बाकी चीजों को जस का तस छोड़ दिया। जैसे कि किसी ने अपने कपड़े सूखने डाले हैं तो वैसे ही पड़े हैं, झूठे बर्तन जहां हैं उसे वैसे ही छोड़ दिया और कतार में उसी रात चल निकले। और जब जाते जाते वहां के लोगों ने इस गांव को एक श्राप भी दे दिया कि ये गांव अब कभी नहीं बसेगा और जो भी यहां बसने की कोशिश करेगा वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। अब 3 दिन बीतने के बाद पूर्णमासी का दिन बीत गया और उससे में सालम सिंह कुलधरा गांव की तरफ बढ़ता है, और वहां पहुंचते ही सालम सिंह के होश उड़ गए क्योंकि उस गांव में सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं था। वो पूरे गांव की तलाशी लेता है पर उसे एक शख्स नहीं मिलता। इसके बाद सालम सिंह बहुत सी खुदाई करवाता है क्योंकि वो जानता था कि पालीवाल बहुत अमीर होते हैं। अब उसे वहां कुछ मिला या नहीं इसका कोई जिक्र नहीं है। इतना ही नहीं, सालम सिंह के सैनिकों ने इस गांव में बसने की बहुत कोशिश की पर उनके साथ वहां कभी कुछ भी सही नहीं हुआ। कहा जाता है कि अगर आप एक रात वहां रुक गए तो दूसरी सुबह आपकी होगी ही नहीं। 2013 में कुछ पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोग गए जिन्होंने दावा किया कि वहां नेगेटिव एनर्जी है। अब वो 600 गांव के लोग कहां गए इसका तो नहीं पता, पर कहा जाता है कि ये लोग अलग अलग जाकर बस गए और तभी से कुलधरा अकेला वीरान और भूतिया बन गया। क्या आप कभी कुलधरा घूमने गए हैं और वहां पर कुछ अटपटा महसूस किया है? कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।